जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, अगर आपके पास Realme X7, 8, 8 Pro या फिर 7 Pro जैसी डिवाइस हो जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो दिया है बट AOD कस्टमाइजेशन वर्क नहीं कर रहा है, तो पहले मैंने वीडियो भी बना के बताया था कि भैया ये नहीं मिलेगा फीचर, क्योंकि Realme ने बोला था कि हार्डवेयर लिमिटेशन के कारण ये फीचर जो है अपकमिंग अपडेट में नहीं मिलेगा। बट दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है और आपको शायद से ये फीचर मिल सकता है। कैसे क्या करना होगा सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आपके पास ऐसी ही डिवाइस है जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करता है बट यहाँ पे जो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ये ओनली ब्लैक एंड वाइट ही वर्क करता है, जैसे कि आप यहाँ पे रियलमी X7 में मेरे देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से यूज़र्स और हम सभी ने यहाँ पे डिमांड की थी कि AOD कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो है अवेलेबल करा दिया जाए जिसमें कलरफुल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। बट यहाँ पे Realme ने बोला था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा हार्डवेयर लिमिटेशन के कारण। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक यूट्यूबर है क्रेजी गेमर, जिनने यहाँ पे कस्टम रोम इंस्टॉल की है ऑक्टोविया OS अपने Realme 7 Pro डिवाइस में। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सारा जो कस्टमाइजेशन है AOD कस्टमाइजेशन है कलरफुल यहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ये वीडियो का जो क्रेडिट है ये क्रेजी गेमर को जाता है, उन्होंने यहाँ पे ऑक्टोविया OS जो है अपने डिवाइस में इंस्टॉल किए 7 Pro डिवाइस में, एक कस्टम रोम है दोस्तों। और अगर यहाँ पे ये कस्टम रोम से जो है ये फीचर मिल रहा है AOD कस्टमाइजेशन का, तो फिर हार्डवेयर लिमिटेशन जैसे जो बातें जो Realme बोल रहा है वो नहीं आने चाहिए। मीन्स अगर हार्डवेयर लिमिटेशन है तो कोई भी OS यहाँ पे कस्टम OS आप इंस्टॉल कर लो वो फीचर जो है वर्क नहीं करेगा। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 7 Pro डिवाइस है एंड 7 Pro में जो है ऑक्टोविया OS कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद ये जो फीचर है अच्छे से वर्क कर रहा है AOD कस्टमाइजेशन कलरफुल तरीके से। एंड यहाँ पे जो वीडियो है उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी जाके चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई, इस वीडियो से यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि Realme 7 Pro में जो है AOD कस्टमाइजेशन वर्क करता है, मे बी X7, 8, 8 Pro में भी ये वर्क करता हो बट Realme ने अपने OS के थ्रू इसे यहाँ पे डिसेबल करके रखा हो। यहाँ पे दोस्तों अपकमिंग जो OS आने वाला है Realme UI 3.0, इस अपडेट में हम डिमांड करते भी Realme से कि ये जो फीचर है AOD कस्टमाइजेशन का जो कि काफ़ी डिमांडेबल फीचर है इसे यहाँ पे ये जो है इनेबल कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं ट्विटर पे पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उससे ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में इस ट्वीट को रिट्वीट करना है जिससे कि हमें फीचर जल्दी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड ओप्पो और रियलमी से रिलेटेड सिस्टम ऐप अपडेट के लिए सबसे पहले ओप्पो रियलमी सिस्टम ऐप ग्लोबल ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सिस्टम ऐप के अपडेट मिलते रहें। तो आई होप दोस्तों Realme हमें ये फीचर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बोलते रहिए, वंदे मातरम।